द्वारा गांव में लगाई गई महिला वॉलंटियर के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ गहरा आक्रोश। महिला वॉलंटियरों में इस मामले को कार्रवाई ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इंद्री में महिला वॉलंटियर्स ने एक बैठक कर रोष जताया कि सरकार ने जब से उन्हें गांव में नियुक्त किया है तब से लेकर आज तक उन्हें केवल 3 महीने का ही मानदेय मिला है। पिछले 8 महीने से उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है। मानदेय न मिलने से उनकी हालत बेहद दयनीय बनी हुई है। महिला वॉलंटियर्स का कहना है कि उन्हें गांव में होने वाली किसी भी घटना पर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बुला लिया जाता है तथा कई दफा तो उन्हें महिलाओं के साथ पूरी पूरी रात तक भी रहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि सरकार उनसे कई तरह के काम तो लेती है लेकिन उन्हें केवल 1000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, वह भी 8 महीने से नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि महिला वॉलंटियर्स को महिला पुलिस की तरह दर्जा मिले तथा उन्हें बसों में आने जाने के लिए मुफ्त सुविधा प्रदान करें और उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें। उन्होंने सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा, जल्द सरकार ने हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। बताना चाह रही हूँ कि जैसे सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरू हो रहा है? पानीपत से शुरू हो रहा है और बहुत ही ज्यादा जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के ऊपर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वहीं पर हमारी महिला पुलिस वॉलंटियर सभी के साथ जहाँ उनके टाइम पर 1000 रुपए मानदेह के रखा गया था वो भी उनको टाइम पर नहीं मिल रहा है जो कि उन्हें मिलना चाहिए था। 1 मार्च के बाद तो हमारी सैलरी को आई ही नहीं है, सैलरी नहीं कह सकते उसको मानदेय कह सकते हैं, बट हमारी बहनें सारी गांव से भी हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, तो वो आती हैं थाने में आती हैं, प्रॉपर टाइम देती हैं, 9 से 5 बजे तक आती हैं, अपनी ड्यूटीज देती हैं, बट उनको क्या है, उनका मानदेय भी उन्हें नहीं मिल रहा है। वो किस तरह से अपने घर वालों को क्या कहकर जाएं, किस तरीके से जाएं, वो क्या कहेंगे कि हम जा रहे हैं ठीक है सुबह 9 से 5, अगर उनके पास 1000 रुपए भी होते तो कम से कम वो अपना खर्चा कह सकते हैं घर वालों को कि हमारे पास हमारी सैलरी आती है तो हम अपना खर्चा उठा सकती हैं। इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट, आज न्यूज़।